जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। सोशल वर्कर ख्वाजा अलीमुद्दीन ने अभी कांग्रेस की हुकूमत इख्तदार पर आई नहीं है, यानी कि अभी रेवंत रेड्डी ओथ नहीं लिए हैं, इसलिए उनसे इन्होंने ये दरख्वास्त की है कि महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई को कम करना चाहिए, गैस के रेट वगैरह जो वादा किया था इन वादों को पूरा करना चाहिए। रेवंत रेड्डी से ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर ने ये अपील की है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर रेवंत रेड्डी अन्ना आपसे अपील करता हूँ। मैं मेरे 5 से 6 स्कीम है, उसके ऊपर आप गौर से सुनिए। हैदराबाद में देखिए आप, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, डीजल का रेट बढ़ चुका है, मीठा तेल का रेट बढ़ चुका है, चावल का रेट बढ़ चुका है, तकरीबन चीज़ों के रेट बढ़े हुए। रेवंत रेड्डी अन्ना, आप गरीब खातून व्हाइट कार्ड जिसका राशन कार्ड है, जहाँ के राशन की दुकान पे खाली व्हाइट राशन ले रही, वहाँ पर मतलब चावल मिल रहा व्हाइट कार्ड पे, वहाँ पर ना तेल मिल रहा, ना मिर्ची मिल रही, ना नमक मिल रहा, ना इमली मिल रही, ना जीरा मिल रहा, ना दाल मिल रही, ना आटा मिल रहा, ना गेहूँ मिल रहा। क्यों पूछो आप? सिर्फ गरीब को व्हाइट राशन कार्ड रहा तो वो मोटे चावल लेके गरीब जिंदगी चला ले रहा, तो तकरीबन राशन की दुकान पे कोई पावन नहीं है। बहुत पहले आता था, पूरा राशन मिलता था, लोगों को खुशी होती थी। आपके दौर में सिर्फ मोटा चावल खाना पड़ रहा, अगर बारीक चावल खाना है बोले तो 60 रुपये किलो है चावल, मीठा तेल 120 रुपये किलो है। रेवंत रेड्डी अन्ना, इसके ऊपर भी आप गौर करिए। और मैं बोला पहले बात आपको, डीजल और पेट्रोल के ऊपर भी आप देखिए आप, और आपसे अपील करता हूँ मैं, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, आप किसको भी बिठाना चाह रहे, ईमानदार काबिलियत उसके चेयरमैन को आप वो सीट पर बिठाइए। आप बट्टेबाजा चोरा लैंड गैफरा जो वक्फ बोर्ड के ज़मीन खाते, वैसे चोरों को मत बिठाइए। मैं अपील करता हूँ, मैं एक ईमानदार आदमी को बिठाइए वक्फ बोर्ड पे। पहले मैरिज सर्टिफिकेट 350-400 में थी, अब 500 रुपये में मैरिज सर्टिफिकेट कर दिए, घर पे अगर ला के दिया तो उसको 20 रुपये अलग देना पड़ा पेट्रोल के, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। आपसे मैं और एक अपील करता हूँ रेवंत रेड्डी अन्ना, हैदराबाद में तकरीबन लोगों का नहीं व्हाइट राशन कार्ड नहीं है, आप राशन कार्ड कैसे जल्द से जल्द वो स्कीम खुलाइए, आप आपको मेहरबानी होती। क्यों पूछो आप? आवाम बहुत परेशान है राशन कार्ड के लिए, बहुत परेशान है लोग, किसी के राशन कार्ड नहीं है। अगर किसी के राशन कार्ड रहेगा तो आरोशी कार्ड बनेगा उसका, राशन कार्ड से आरोशी कार्ड पे बच्चे का ट्रीटमेंट फ्री करा सकते हैं, बाद जनों का राशन कार्ड नहीं है। सुने रेवंत रेड्डी अन्ना, आपको मैं अपील करता हूँ, मैं ये चीज़ों को रखिए, आप गौर करिए, देखिए चीज़ों को। और हैदराबाद में तकरीबन गवर्नमेंट की स्कूल बंद हो चुके हैं, क्यों पूछो? वहाँ सही पढ़ाई नहीं हो रही। आपसे अपील करता हूँ मैं, गवर्नमेंट के स्कूलों को भी आप जाके आपकी टीम एक बना के एक दौरा करिए बोलिए टीम का। और कई मजीदा हैदराबाद में शहीद हुए थे, वो आप भी डाले थे डेट बोले, हमारे को बहुत खुशी हुई। जो मजीदा जो आबाद है, तकरीबन मजीदा जो बंद पड़े है, रेवंत रेड्डी अन्ना मैं अपील करता हूँ, मजीदा भी खुलाइए आपको। क्यों पूछो आप? हिंदू सिख सिकाई मुसलमान आपको चुन के लाए, क्यों चुन के लाए? आप एक मस्जिद के ऊपर आप पहले फाइल करे बोले हमारे खुशी हुई मुसलमानों को, इसलिए मुसलमान आपको चुन के वोट दिए, सिख सिकाई भाई सब वोट दिए। आपसे अपील है ये चीज़ों को गौर करिए आप, और वक्फ बोर्ड में ऐसे ईमानदार को लाइए आप कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी संभाल सके, ना ऐसे चोरों को दीजिए, ऐसे गुंडों को, ऐसे लैंड गैफरों को देना ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूँ, और कई मस्जिदों का आप लोगों का दौरा करिए, और कई खबरस्तानों में लाइट नहीं है, खबरस्तान में कई खबरस्तानों में झाड़ा नहीं काट रहे वहाँ पर। क्यों पूछो? खाली साल में हमारी ईद आती है रमज़ान की, वहाँ पर जाके झाड़ काटते, फिर वो झाड़ा भी काटना बहुत ज़रूरी है। रेवंत रेड्डी अन्ना, आपसे अपील करता हूँ मैं, आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। और हैदराबाद में देखिए, कोई भी मर्डर करा उसके ऊपर PT8 लगा के उसको जेल को भेजिए उसको। क्यों पूछो? हैदराबाद में TRS की हुकूमत थी, हैदराबाद में बहुत मर्डर हुए, हम बहुत फ़ोन कर रहे थे होम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब हम देखते रहे ना, क्या पूछ रहे, क्या बोलेंगे हमारे महमूद अली साहब को, खाली इधर घस के यूँ सुनते रहते, आ आ आ ऐसा होगा महमूद अली साहब का किस्सा। तो रेवंत रेड्डी अन्ना, कहाँ पर भी अगर मर्डर होगा उसको अंडर ट्रायल चला के उसकी केस
जेल में रह के उसको अंडरडॉल चला के उसको सजा दिलाना। हैदराबाद में एक मासूम की अगर किसी की जान जाएंगी तो अब हुकूमत गचुप नहीं बैठेंगी ना पब्लिक बैठेंगी, क्योंकि टीआरएस के जब थी हुकूमत कुछ नहीं करी है मर्डर के ऊपर। ये राठी शिड्रा सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे। आपसे अपील करता हूँ मैं रेवंत रेड्डी अन्ना, सब चीज़ों से पाबंद करिए और वक्त बड़े में अच्छे इंसान को लाइए। मैं अपील करता हूँ मैं आपसे और हमारे हैदराबाद में कई खबरस्तानों का मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊँगा कि लाइट नहीं है वहाँ पर, लाइट की बहुत ज़रूरत है मेरे रेवंत रेड्डी अन्ना। आपसे अपील करता हूँ मैं रेवंत रेड्डी अन्ना, आप ये बात को गौरिए, समझिए, सोचिए, इस चीज़ को आप पाबंद करिए। और गवर्नमेंट के कई दवाखाने में फैसिलिटी सही नहीं है वहाँ पर, आप जाके दौरा करिए, उस्मानिया हॉस्पिटल जाइए, नीलफर जाइए, गांधी हॉस्पिटल को जाइए, कई हॉस्पिटल हैं ऐसे, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है। आपकी टीम वहाँ पर जाना, भैटिन हैदराबाद में डेवलपमेंट लाना, हर हॉस्पिटल क्लीन रहना, एकदम साफ सफाई। मैं अपील करता हूँ रेवंत रेड्डी अन्ना, आप मेरी बात सुन रहे समझ रहे, आपसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, मैं आपको सलूट है मेरा। आप जो मुसलमान वोट दे के आपको लाए सिख सिखाई भाई, मैं आपसे दिल के गहराई से मेरा दिल का इजहार करा। आप समझिए, सोचिए, ये चीज़ को लाइए और महंगाई के ऊपर भी आप देखिए। आप अपील करता हूँ ये हैदराबाद में जो चालाना जो है वो चालानों के ऊपर भी आप एक स्कीम ला दीजिए। क्यों पूछो, आवाम बहुत परेशान है चालानों के पीछे। आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी यही अपील है रेवंत रेड्डी अन्ना, मेरी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं खाजा अली मदीन सोशल वर्कर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।